पूरे 1 महीने बाद चैनल पे वीडियो आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। रीज़न कोई ख़ास नहीं है, बस जब तक कोई टॉपिक कन्विंसिंग नहीं लगता है कि इस पे काम करना चाहिए, तब तक वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। बस इसलिए वीडियोस बहुत लेट हो जाते हैं, बट अब से ट्राई करूँगा रेगुलर रहने की। तो अब बात करते हैं आज के वीडियो की। अब 2021 ऑलमोस्ट एंड होने आया है और इस साल भी बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं हर प्राइस रेंज में, बजट से लेके हाई एंड फ्लैगशिप्स तक। सो इट्स नाउ टाइम फॉर द बेस्ट फोन लॉन्चेस ऑफ द ईयर इन एवरी प्राइस कैटेगरीज, फ्रॉम अफोर्डेबल बजट टू प्रीमियम फ्लैगशिप्स। तो पता लगाते इस साल कौन सा हर प्राइस कैटेगरी में बेस्ट फ़ोन है। तो चलो फिर जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में हर प्राइस रेंज के बेस्ट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम सब 10,000 रुपीस टू मैक्स 50,000 रुपीस, और सारे प्राइस कैटेगरी के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक बजट सेगमेंट से, जो है बेस्ट फोन अंडर 7,000 रुपीस। तो अगर आप किसी एक एवरेज इंडियन यूजर से पूछोगे जो शायद लाइफ में अपना फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन ले रहा है या फिर स्मार्टफोन पर मूव कर रहा है ओवर अ कीपैड फोन, तो उसका मैक्स टू मैक्स बजट इसी प्राइस कैटेगरी के अंदर होगा अंडर 7,000 रुपीज। तो इसी प्राइस कैटेगरी को टारगेट करते हुए जियो ने अपना जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया। अब ये फ़ोन मेरे हिसाब से एक डिज़ास्टर था 2021 में। तो जब जियो फोन लॉन्च होने वाला था उसके पहले जो एक्सपेक्टेड प्राइस थी वो थी अराउंड 3,500 या फिर 4,000 रुपीस, जो कि काफ़ी सही प्राइसिंग थी एक बजट बेसिक स्मार्टफोन के लिए और उन लोगों के लिए भी जो शायद फर्स्ट टाइम अपना स्मार्टफोन ले रहे हैं। बट ये फ़ोन लॉन्च होते 6,500 रुपीस के प्राइस पे, तो डेफिनेटली ये जो स्पेक्स ऑफर कर रहा था इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। ऑल्दो इन लोगों ने बहुत सारे EMI ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए थे जो सिंपली एक मार्केटिंग गिमिक था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप सारे कैलकुलेशंस भी करोगे तो भी जो फ़ोन की एक्चुअल प्राइस है वो उससे ज़्यादा ही हो रहा था टोटल EMI जो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए थे उस फ़ोन के प्लान के साथ में। तो जियो फोन नेक्स्ट सिंपली एक डिज़ास्टर था 2021 में, तो सिंपली इसको इग्नोर करते हैं और आपको मार्केट में बहुत सारे बेटर डील्स मिल जाएंगे। सिंपली अगर आप जियो फोन नेक्स्ट के प्राइस में 1,000 रुपीज़ ज़्यादा ऐड करोगे तो आपको एक प्रॉपर एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाएगा, जैसे रियलमी का C20 है। अब इस फ़ोन में आपको जियो फोन नेक्स्ट से काफ़ी बेटर स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, तो आप रिव्यूज़ देख के यूट्यूब पर कंसिडर कर सकते हो इस फ़ोन को, या फिर और भी आपको डिफरेंट डील्स मिल जाएंगी, तो बेटर है आप उनको चेकआउट करो और जियो फोन नेक्स्ट को सिंपली स्किप करो। तो जियो फोन नेक्स्ट का टॉपिक डिस्कस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट था बिकॉज स्टिल काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि जियो की तरफ से फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन है तो कुछ वैल्यू ऑफर करेगा, बट प्रॉब्लम इसके सारे प्राइसिंग में ही थी बिकॉज जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ और जो वैल्यू ऑफर करते हैं वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। तो इससे बेटर है आपको एक बेटर एंड्रॉयड फ़ोन ले लो इसी प्राइस रेंज के आसपास, वो सही रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेस्ट फोन अंडर 10,000 रुपीज़ 2021 में। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिले, बस सिर्फ एक ही फ़ोन मैंने सेलेक्ट किया, रियलमी का नार्जो 30A। अब ये डिवाइस आपको 9,000 रुपीज़ के प्राइस में मिलता है, जिसमें आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और 6,000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, जो इस प्राइस रेंज में और कोई ब्रांड शायद ऑफर नहीं करते है। एंड इसमें आपको MediaTek का हीलियो G85 प्रोसेसर मिलता है, जो आई थिंक इनफ है डे टू डे हैंडलिंग टास्क के अंदर। तो रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लेना और सही लगे तो आप जा सकते हैं नार्जो 30A के साथ 10,000 रुपीज़ के अंदर, काफ़ी सही फ़ोन लगा मुझे। इसके बाद बात करते हैं बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पर मैंने 5G फ़ोन्स को कंसिडर नहीं किया है बिकॉज जब तक इंडिया में 5G नेटवर्क अच्छे से आ नहीं जाता तब तक 5G सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के लिए 2021 में। और जितने भी 5G फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं उन सब में आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी देखने को मिलेंगे। अब इसी चीज़ को बीबॉम ने अपने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं 20,000 रुपीज़ के अंडर बेस्ट फ़ोन। अब अगेन मैं यहाँ पर 5G फ़ोन्स की बात नहीं करूँगा, रीज़न वही, इंडिया में जब तक 5G नहीं है तब तक कॉम्प्रोमाइज़ ही है और एक मार्केटिंग गिमिक है सारे ब्रांड्स के लिए। तो स्ट्रेट बात करते हैं इस साल का ऑलराउंडर डिवाइस 20,000 के अंदर, वो है रेडमी नोट 10 प्रो। अब 5G छोड़ के इस फ़ोन में आपको सब मिल जाएगा, बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट कैमरास, बेस्ट डिज़ाइन, और प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 732G, जो कि एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन है स्नैपड्रैगन 730G का। तो ये प्रोसेसर स्टिल अच्छा कंपटीशन देता है MediaTek के डायमेंसिटी 800 सीरीज़ को। तो आई थिंक सो ये एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी डील होगी 18,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में। तो आगे बढ़ते हैं बेस्ट फोन अंडर 25,000 रुपीज़ इन 2021।
अब यहाँ पे मैंने दो फोन्स को सिलेक्ट किया है, पहला है iQOO Z5 5G एंड दूसरा है Realme GT Master Edition। तो इन दोनों फोन्स में आपको Snapdragon 778G का 5G प्रोसेसर मिलता है। बस दोनों फोन्स में ये फ़र्क है कि iQOO में आपको IPS LCD with 120 Hz रिफ्रेश मिलती है एंड Realme में आपको सुपर AMOLED 120 Hz डिस्प्ले मिलती है। और Realme GT की प्राइस 1000 रुपीज़ ज़्यादा है iQOO वाले से। तो अगर आप कार्ड वगैरह के ऑफर्स लगाओगे तो आपको ये फ़ोन 25,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी सही डील हो जाती है। तो आई प्रेफर एनी डे AMOLED ओवर IPS LCD, सो हेयर माई पिक इज़ Realme GT Master Edition। बट अगर आपको 25,000 रुपीज़ के नीचे ही फ़ोन चाहिए तो 24,000 के प्राइस पॉइंट में iQOO Z5 भी सही वैल्यू ऑफर करता है विद बिगर बैटरी देन Realme GT। तो जो आपके बजट में सही बैठता है वो उठा लो। इसके बाद नेक्स्ट बात करते 30,000 के अंदर बेस्ट फ़ोन की। तो 2021 साल था बजट फ्लैगशिप्स का। अब MediaTek के बजट फ्लैगशिप प्रोसेसर Dimensity 1200 के साथ बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च हुए, लाइक Realme X7 Max, Poco F3 GT, और ये सारे फ़ोन इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशंस ऑफर करते थे तो खुद से ही एक दूसरे से पूरा साल कम्पीट करते रहे, जिसके वजह से यूज़र्स के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। और कुछ फ़ोन ऐसे भी आए जैसे कि Mi 11X, Realme GT Neo 2 5G और iQOO 7 5G। इन फोन्स में आपको Snapdragon का 870 जैसा पावरफुल प्रोसेसर इस प्राइस कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। तो कन्फ्यूजन थोड़ी सी और बढ़ गई कि आपको Snapdragon की तरफ जाना चाहिए या फिर MediaTek, बिकॉज दोनों की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है जो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर दे वो आप ले लीजिए, बिकॉज सारे फ़ोन्स इस प्राइस रेंज में बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेस्ट फ़ोन अंडर 35,000 की। तो यहाँ पर दो फ़ोन्स हैं, एक है Moto H20 Pro और दूसरा है Vivo X60। तो Moto H20 Pro में आपको 144Hz की AMOLED डिस्प्ले मिलती है एंड Vivo X60 में 120Hz AMOLED, और दोनों फ़ोन्स में आपको Snapdragon का 870 प्रोसेसर मिलता है। अब Vivo में OneTouch OS है और Motorola में कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉइड। और कैमरास की बात करें तो Motorola में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है और सेकेंडरी है 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, जिसमें आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिलता है। फिर थर्ड है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और Vivo X60 के कैमरास की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और सेकेंडरी आपको 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, जिसमें 2x ऑप्टिकल जूम है। फिर थर्ड है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। तो दोनों ही फ़ोन्स एकदम टॉप नॉच स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं, पर मुझे Vivo की कैमरा ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बेटर लगती है Motorola के कंपैरिजन में, बिकॉज Moto के फ़ोन्स में हमने पास्ट में भी देखा है कैमरा का हार्डवेयर तगड़ा होता है बट सॉफ्टवेयर उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो Motorola ने भी ये बार काफ़ी कड़क स्पेक्स दिए, बस इमेज प्रोसेसिंग अगर सही हो तो काफ़ी सही कैमरा हो सकता है। तो आप दोनों के रिव्यूज़ देखकर फाइनल कर सकते हो किसका कैमरा बेस्ट है। अब इसके बाद एक और फ़ोन है Mi 11X Pro, जिसमें आपको Snapdragon 888 जैसा प्रोसेसर मिलता है इस प्राइस रेंज में, पर उसकी प्राइस है 36,000 रुपीज़। अब 1,000 ज़्यादा है, बट अगर आप कार्ड वगैरह ऑफर्स यूज़ करते हो तो ये फ़ोन आपको 35,000 की प्राइस में ही मिल जाएगा, जो कि एक किलर डील हो सकती है 35,000 के अंदर। तो नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी की तरफ चलते हैं, बेस्ट फ़ोन अंडर 40,000 रुपीज़। अब अगेन यहाँ पर दो फ़ोन्स हैं, एक है Realme GT 5G और दूसरा है iQOO 7 Legend। तो दोनों फ़ोन्स में आपको Snapdragon 888 मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में बेस्ट है। अब दोनों फ़ोन्स में आपको सुपर AMOLED 120 Hz की डिस्प्ले मिलती है एंड दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मुझे iQOO का 7 Legend थोड़ा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड कैमरा, पर Realme GT ने भी सही चीज़ ऑफ़र की है। अब आपको देखना है आपको कौन सा पसंद आता है, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है आप जा सकते हो। दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी सही प्राइस और सही स्पेक्स के साथ में आते हैं। एंड अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए तो इस प्राइस रेंज में आपको सैमसंग का S20 FE 5G मिलेगा, जिसमें Snapdragon 865 है और One UI का एक्सपीरियंस है। प्लस इस फ़ोन में आपको बेस्ट कैमराज मिलते हैं एंड इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है। तो एक कंप्लीट फ्लैगशिप पैकेज है सैमसंग की तरफ से इस प्राइस रेंज के अंदर। इसके बाद 40,000 to 45,000 की प्राइस में न्यू फोन्स तो आए नहीं इस साल, इसलिए सीधा बात करते हैं बेस्ट फ़ोन अंडर 50,000 रुपीज़ की। तो ये इस साल का बेस्ट गेमिंग फ़ोन भी है, Asus ROG Phone 5। अब इसमें आपको बेस्ट पॉसिबल एंड्रॉयड स्पेक्स मिलते हैं, मतलब सब एकदम टॉप नॉच है, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले,
और कैमरास थोड़े से एवरेज कह सकते हो जस्ट बिकॉज गेमिंग फोन है, पर स्टिल इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का डिसेंट कैमरा सेटअप मिलता है जो ऑलमोस्ट फ्लैगशिप तो नहीं बट किसी भी मिड रेंज के कंपैरिजन में आपको बेटर फोटोज खींच के देगा। सो यस, ये है बेस्ट फोन 50,000 रुपीज़ के प्राइस कैटेगरी में मेरे हिसाब से। एंड अगर इसके बाद आपका बजट 50,000 रुपीज़ के ऊपर है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, बस फोन बेस्ट मिलना चाहिए, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से इकोसिस्टम में रहना पसंद है, बिकॉज आपको एप्पल के लेटेस्ट आईफोन 13 सीरीज में सब बेस्ट इन क्लास ही मिलता है एज ऑलवेज। एंड अगर आपको बेस्ट पॉसिबल एंड्रॉयड फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए तो गैलेक्सी S21 सीरीज है, पर अब S22 सीरीज के लॉन्च में भी आई थिंक इतना टाइम नहीं बचे, स्टार्टिंग मंथ्स में लॉन्च हो जाएगा 2022 के, तो अगर वेट कर सकते हो तो बेटर है, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, एंड नहीं तो S20 सीरीज वैसे ही बेस्ट है सैमसंग की तरफ से। तो ये था 2021 का कंप्लीट रिवाइंड, जो वन ऑफ द बेस्ट फोन्स लॉन्च हुए थे इस साल हर प्राइस रेंज में फ्रॉम बजट टू फ्लैगशिप। अब अगर पर्टिकुलर प्राइस कैटेगरी की बात नहीं करें और एक बेस्ट फोन जो 2021 में लॉन्च हुआ वो है मेरे हिसाब से गूगल का पिक्सल 6, जिसमें आपको वर्ल्ड का बेस्ट एंड्रॉयड एक्सपीरियंस और ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, बिकॉज गूगल कंप्लीट ओन करता है एंड्रॉयड को, तो वो अपने डिवाइसेस में एंड्रॉयड का बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस देते हैं हर बार। पर गूगल ने इस फोन को इंडिया में लॉन्च नहीं किया। वेल कम ऑन गूगल, इंडिया कोई छोटा मार्केट तो नहीं है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, तो थोड़ा इधर भी सोचना चाहिए था। वैसे आपको 2021 का बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा लगता है मुझे नीचे कॉमेंट्स में बता के जाना। तो बस अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो अगर पसंद भी आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो हम यूट्यूबर्स के 3 बेसिक नीड्स होते हैं, पूरा करके जाना जो भी आपका मन करे। और आगे भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले चैनल पे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब थोड़ा सा रेगुलर रहने की ट्राई पूरी करूँगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक सेकेंड रुक जाओ, वीडियो अभी क्लोज मत करना, जस्ट बिकॉज अभी एडिटिंग के टाइम पे मैंने ध्यान दिया आज 25 दिसंबर है, सो विशिंग यू ऑल अ मेरी एंड मेरियर क्रिसमस। हाँ, अब भले क्लोज कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।